हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को हरितालिका तीज के बहुत बहुत बधाई हो। सो गाइस, सुबह का टाइम हो गया था, मैं नहा ली। सबसे पहले आप सभी को पता है कि तीज वाले दिन 3 बार नहाया जाता है। तो एक बार सुबह 5 बजे मैं नहा ली, फिर उसके बाद मैं 9 बजे नहाई, और अभी मैं नहाई 3 बजे कह रही हूँ, अभी 2 बज रहा है। तो 2 बज रहा है तो मैं 2 बजे नहा ली हूँ। और गाइस, इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं खाई पी कुछ भी नहीं हूँ, तो ऐसा लग रहा है ना कि मेरे अब शरीर में जान नहीं है। तो गाइस, शैम्पू भी मैं कर ली हूँ। शैम्पू मुझे नहीं करना था आज, मैं सोची शैम्पू ना करूँ, लेकिन बाबू पोटी कर दी थी, तो पोटी साफ करने के बाद मेरा मन नहीं मान रहा था, तो हम का शैम्पू कर लेते हैं, क्योंकि मंडे को हम शैम्पू नहीं करते हैं, इसीलिए सोच रहे थे कल ही कर लिए थे, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और सारा सामान वामान पति देव ला दिए हैं पूजा का। आज हम उठते ही पहले ना, सबसे पहले क्या किए, आज उठते ही पहले हम पानी का वेट कर रहे थे, पानी आ जाए तो हम सारा घर धो दे। पानी आया, हम सारा पूरा घर धो दिए, लेकिन बाबू उस रूम में, इस रूम में तो नहीं, उस रूम में पूरा चिप्स खा के फैला दिए। तो पूरा पानी से धोने के बाद आज वो, पता है, आज बेचारी 2 बार गिरी। एक बार गिरी वो पानी से स्लिप करके, और एक बार मैं नहा, अभी को मैं जब नहा रही थी तो पहले उसको नहला के तब मैं नहाई, तो जब मैं उसको नहला रही थी ना तब वो गिरी, साट सी गिरी, एक हो ये सब मुँह सू बच गया उसका, बस थोड़ा सा घुटने में लगा उसको, लेकिन बच गई। और कल मेरा नेल पेंट एक तो पूरा फोड़ फाड़ के बराबर कर दी, शीशे का था ये कहो, उसको लगा नहीं, उठा के पटक दी, टूट गया। यही सब चीज़ें हैं। तो चलते हैं अब, जो काम बाकी है कर लेते हैं। एकदम पता है, एक सुबह से उठे हैं, पूरा करते करते थक गए, हालत एकदम ख़राब हो गई है, मेरे अंदर इतना जान भी नहीं कि अब हम और काम करें। चले अब बस तैयारी करते हैं पूजा का, और अपना खुद भी तैयार हो जाते हैं। अभी मेरा ब्लाउज नहीं आया तो पति देव को भेजते हैं कि चाहिए ब्लाउज लेते आइए, तो मैं तैयार हो जाती हूँ। साड़ी भी दी है, साड़ी, हाँ। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि फॉल लगा है साड़ी में, ब्लाउज रेडी है, तो ये सब साड़ी आप मत चढ़ाइए। तो मैं आपकी बात को रखते हुए ध्यान में, मैंने साड़ी वो वाला हटा दिया है, मैं दूसरी साड़ी रखी हूँ, वो चढ़ा दूँगी। वो क्रीम कलर की है, उस पर मतलब वो साड़ी बहुत अच्छी है। वो साड़ी आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने तो शायद दिखाया ही नहीं था, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना मना था। मैं जब गई थी आगरा तो वहाँ से मैंने साड़ी लिया था 3000 का, बहुत ही प्यारा है। और वो साड़ी ऐसा है ना कि अगर आपका कितना गारंटी दिए थे याद नहीं आ रहा, कि 5 साल की 3 साल ऐसे कुछ बोले थे कि अगर वो ख़राब हो जाएगा ना तो आधे रेट में वो साड़ी बिक जाए, मतलब आधे रेट का पैसा वो मिल जाएगा आपको अगर साड़ी ख़राब होती है तो। अगर मान लीजिए 3000 का है तो 1500 आपको रिटर्न मिलेगा। और वो साड़ी मैंने लिया था मीना बाज़ार से, अगर आप लोग जो गए होंगे वहाँ पे आगरा मीना बाज़ार में गए होंगे तो वहाँ पे शॉपिंग किए होंगे तो वो जानते होंगे, तो वो बता सकते हैं कमेंट में, बताइएगा अगर आप लोग गए होंगे, आपके घर से कोई गया होगा तो साड़ी ख़रीदा है, लिया है वहाँ पे मीना बाज़ार से, शॉपिंग किए हैं, कुछ भी लिए हैं तो बताइएगा मुझे। और पति देव बाबू हमारे उस बेडरूम बेड पे लेटे हैं, उस वाले रूम में। गाइस, बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, आज मैंने पूरा घर धो दिया है अच्छे से। और उधर जो देख रहे हैं ना, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा होगा, जूम करके दिखाते हैं। इधर देखिए, ये बाबू हमारी सब चिप्स गिराई है, हाँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये नेल पेंट गिराई, कल पूरा नेल पेंट फोड़ दे दिए हम। मैं इनको बोली ब्लॉग बना लें, कह रहे नहीं ये सब मत करो। एक तो कांच का था, मुझे डर लग रहा था कहीं उसको लग ना जाए। और पति देव उधर सारा सामान ला के रख दिए, देखते हैं इसमें क्या क्या सामान है, ये भी है वो भी है। पूरा घर धो दिए थे हम, ये कहो कि आज पोछा नहीं मारे, हमका पानी आ रहा था तो वो क्या पोछा मारे, पूरा घर पाइप से धो दिए। तो गाइस, आप पता है आज तीज है तो इनका भाई व्रत है, तो मैं सुबह सुबह गया था, बहुत सारे सामान नहीं थे जो ले, मैं सुबह सुबह ले के आया कि ब्लॉग नहीं बना पाया दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा सामान था, घर भी धोए वो भी आप ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, पूरा घर और धुले हैं, और पूरा इसमें फर्श पूरा भाई पूरा गंगा जल डाल के पूरे अच्छे से पानी में, और पूरा घर को उन्होंने आज धुल दिया, पूरा साफ सफाई हो गई। तो क्या क्या मैं सामान लाया हूँ आप लोग देखिए जरूर, और ये थक गई हैं बिल्कुल, आज तो इनको बोलने का भी हिम्मत नहीं है, बोलने का
हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर, लेकिन क्या करें, बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। वही तो है, और हमने बगल में टीवी टीवी में लगवा दिया है भगवान जी, प्रदीप मिश्रा का भगवान भोलेनाथ की कथा लगा दिया है, ताकि उससे सुन के थोड़ा सा मन को शांति मिले, मन को शांति मिले, हिम्मत मिले, हिम्मत मिले। तो गाइस आप लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आप जमीन पे समान पूजा कर रखी हैं, ऐसे नहीं रखा जाता है, इसलिए हम लाल तूल बिछाए हैं। और ऐसा नहीं होता है, जब हमारे यहाँ पंडित जी आए थे हवन कराने, बाबू का नामकरण था, तब पर भी वो जमीन पे ही सारा सामान रखे थे, बल्कि हम बोले कि पंडित जी चौकी है, चौकी ले लीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, पोछा मार दी, साफ सफाई हो गया, कोई बात नहीं, हम जमीन पे भी रख सकते हैं। तो जितना भी हवन होता है, पूजन होता है, सब जमीन पे ही होता है। तो चलिए आपने कमेंट किया, कोई बात नहीं, मैं आपके पास सामान रखती हूँ, इसलिए मैं कपड़े बिछा रही हूँ। ये क्या है? ये है देसी घी। क्या डिब्बा है? 200 रंग। ये क्या है? ये तिल का तेल। सही किया, तिल का तेल वैसे था, तुमने लिखा था भाई, पर्ची बना के दिया तो मैं लेके आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, दिया जलता है। ये कॉटन है, आप मत बोलो, आप दिखाओ, मैं बोलता जाऊंगा फटाफट। ये रक्षा है, कैमरे मार जाते हैं। ये रोली है, ये तिल है, ये काला तिल है, बहुत मजे से है, मिला ही पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं। ये कपूर है, हम लोग के यहाँ जो कपूर आता है वो अच्छा होता है, वो जलता है, ये भी अच्छा है। ये एक छोटा सा गंगा जल है। चलो और देखिए क्या है। और आप लोगों ने दोस्तों बोला था टोकरी में, टोकरी भी आज लेके आया हूँ। ये देखो जल भरा नारियल, चुन्नी नहीं ले लिए, चुन्नी बोला था तुमने, तुम्हें नहीं पता है कि चुन्नी भी लगता है नारियल में हमेशा। चलो अभी जाऊंगा, फिर लेते आऊंगा, चुन्नी यही पे मिल जाएगा बगल में, आप बगल में देख लेंगे। ये माला फूल है चढ़ाने के लिए, उधर देख सकते हैं पूरी तैयारी जोर शोर से हो गई है। और आज मैं इनको मार्केट नहीं ले गया दोस्तों, क्योंकि अगर ये जाती तो बहुत ज्यादा थक जाती, फिर आती फूल अच्छा अच्छा है। तो गाइस इतना फूल पत्ती है, गेंदा का भी है, चमेली का भी है, गुलाब का भी है, हम नहीं दिख रहे हैं। दिख तो रही हो तुम, नहीं दिख रहे हैं प्रॉपर। अरे दिख रहे हो यार, इसमें क्या है? इसमें पेड़ा है। अच्छा इसमें पेड़ा है, भगवान जी को चढ़ाने के लिए पेड़ा लाया हूँ। अच्छा चलो, और मैं इनसे मंगाई थी एक पौना पलटा, क्योंकि ना और सब है लेकिन गाइस एक पौना लिए, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा है छानने के लिए, भोर में पता है आप सबको हलवा पूरी बनता है, तो नया चीज मैं लेके आया हूँ बिल्कुल, क्योंकि सब मेरे पास नहीं, मेरे पास है लेकिन जानते हैं सब खाना पीना बनाए हैं उससे। चलिए लिए रहे बाबू, बच्चा है कितना देखे, अभी मार भी देंगे तो भी परेशान। क्यों मारोगी यार, मारोगी क्यों? तो आप बोले थे बिंदी नहीं है, चूड़ी नहीं है, काजल नहीं है, तो गाइस बिंदी भी आ गई, चूड़ी भी आ गई, टोकरी भी आ गई, काजल भी आ गई, काजल भी, जो जो आप लोगों ने बोला था नहीं था, हमने सारा कुछ ला दिया दोस्तों। मैंने वैसे पहले ही बताया कि बिंदी चूड़ी नहीं है, तो काजल नहीं था, तो काजल टोकरी आ गया और चूड़ी भी आ गया। ठीक है, और क्या है इसमें? एक गजरा है, सबसे महत्वपूर्ण सामान ये है गजरा, जो कि मैं बाल लगाऊंगी। चलो थैंक यू, उसके पास था नहीं, हमका प्लीज बना दो, मैं पानी में डूब जा रहा हूँ, तुझने बनाया फिर। अच्छा सही किया, गजरा ना बहुत अच्छा लगता है बालों में लगाने में, और खुशबू भी अच्छा देता है, अच्छा आती है। तो सारा सामान इनका हो गया है इधर। हाँ तो गाइस मैं ना पेटीकोट भूल गई थी, मेरा जो आउटफिट है वो रानी कलर का है, तो मैं रानी कलर का पेटीकोट भूल गई थी, तो ये गए सुबह लाए पेटीकोट भी। बस और पूजा वूजा का सामान जो है वो मैंने डिब्बा में रखा है, और जो सामान लगेगा हम निकाल लेंगे, फिलहाल अभी चलते हैं खुद तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करते हैं। अभी तो हिम्मत तो होगा नहीं, हिम्मत तो नहीं है बिल्कुल भी, बोला नहीं जा रहा है पूजा करने के भी। अभी फ्रूट लाना है, फ्रूट अभी मैं जाके लेके आऊंगा, और मेरा ब्लाउज का ब्लाउज सिलने के लिए वो भी लेके आऊंगा। ये थाली बहुत अच्छा है, बहुत वजन है, लेकिन मैं इनसे बोल रही थी इतना बड़ा ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते तो अच्छा लगता। अब ठीक है बाबू, हमके क्या बाबा रहा, वो फोन करें, हम 12 नंबर है, 15 नंबर ले लेते। अरे ठीक है, हम लोग छोटे परिवार है, छोटा थाली अच्छा है। नहीं मैं पूजा करने के लिए बोली थी, मैं इसको खाने पीने में यूज थोड़ी करूंगी, इसको रख दूंगी उठा के। अच्छी बात है। और मेरे पास एक पीतल का लोटा है, जो कि अभी निकालूंगी, मैंने रखा है कबर्ड में, चलते निकालते उनका, देखो उनका दिखाओ, उनका दिखाओ
क्या कर रही हो? ये लाए थे रबड़ी कल, और रबड़ी का उसमें रबड़ी था डब्बा पूरा, देखो उस पर गिराया ना जूठा हो जाएगा फिर। बाबू है क्या? अरे 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 देखो दांत से काट रही, दांत निकल गए इनको ना। बहुत परेशान करती है यार, किसी को चाहिए बताना, मैं दे दूंगी आपको। अच्छा दे दोगी, बढ़िया ये बात। तुमको ना देते हम, मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी है, उसके पापा हैं अभी ठीक है संभालने के लिए। मैं बस बोल रही हूँ मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मेरा मन खुद ही नहीं लगे, कितनों भी परेशान हो जाओ माँ बाप, लेकिन बच्चे अपने कभी किसी को नहीं देते। वही तो बंद मजाक में बोल दिया आपने। क्या? अच्छा नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। आपका है कितने तो उस पे चढ़ के नहीं जा रही, कितनी समझदार है। दिखाओ नीचे देखो, उस पे चढ़ के नहीं जा रही है, साइड साइड से आ रही है। अरे गिरी, अरे गिरी होते हैं ना सीधे चले आते हैं, तो ये उस पे चढ़ के नहीं जा रही, ये होती है। लो तो चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस पतिदेव ब्लाउज और फल वगैरह लेके आ गए हैं, इधर देख सकते हो केला सेब अनार संतरा, और ब्लाउज भी मेरा लेके आ गए हैं। चावल अभी बोरी में रखा हुआ है, एक दिन जाएंगे डिब्बा लेकर आएंगे तब सब सामान रखेंगे, और मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हालत हो गई एकदम ख़राब।